हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस एपिसोड में इंटरमीडिएट ड्राइंग एग्जाम का प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने वाले हैं। आज का यह क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन होगा। आपको ड्राइंग एग्जाम गाइड इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, पास वाले बेल आइकन को ऑल क्लिक करना है। अगर वीडियो आपके समझ में आता है और आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूले। प्लेन ज्योमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास राउंडर, इसे कंपास भी बोलते हैं, स्केल, प्रोटेक्टर और पेंसिल, इन ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता है। आज हम इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उसका अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन करना है और उसे समझ लेना है। इंग्लिश क्वेश्चन सेक्शन 6, इंस्क्राइबिंग डिस्क्राइबिंग सर्कल्स। एग्जांपल नंबर 15, टू इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ सेक्टर। क्वेश्चन, इंस्क्राइब अ सर्कल इन अ सेक्टर विद एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एंड अ रेडियस 5 सेंटीमीटर टू टच बोथ इट्स आर्म्स एंड द आर्क। हिंदी प्रश्न विभाग छठा, नियमित आकृति में अंकित वृत्त। उदाहरण, किसी भी त्रिज्या खंड वर्तुल खंड में एक वृत्त सर्कल वर्तुल अंकित करना। प्रश्न, 36 डिग्री के कोण और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड वर्तुल खंड में एक वृत्त सर्कल वर्तुल को इस तरह से अंकित करें कि तीन भुजाओं को स्पर्श करे। मराठी प्रश्न, कोण 36 अंश व त्रिज्या 5 सेंटीमीटर असणाऱ्या वर्तुळ खंडात तीनही बाजूंना स्पर्श करणारे अंतर्लिखित वर्तुळ काढा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 को हमने इंग्लिश, हिंदी और मराठी लैंग्वेज में देखा है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें एक वर्तुळ खंड निकालना है, उसके लिए यहाँ पर एक बेस लाइन लेना है। वह बेस लाइन अप्रोक्सीमेटली लेना है, यहाँ पर नाम देना है ए और यहाँ पर नाम देना है बी। उसके बाद ए पॉइंट पर एंगल बनाना है 36 डिग्री का, 10, 20, 30 और यहाँ पर 36। यहाँ पर नाम देना है क्यू, यहाँ लिखना है 36 डिग्री। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन में दिए गए अनुसार एक त्रिज्या खंड वर्तुल खंड को ड्रॉ किया है। अब हमें ए एंगल के दो इक्वल पार्ट बनाने हैं, इसे बाइसेक्ट करना है, एंगल ए को बाइसेक्ट करना है। उसके लिए हमारे पास राउंडर होना चाहिए, राउंडर का स्टील वाला पॉइंट, कंपास का स्टील वाला पॉइंट ए पॉइंट पे रखना है और कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके एपी लाइन पर एक आर्क बनाना है और एक्यू लाइन पर दूसरा आर्क बनाना है। इन दोनों आर्क ने दोनों लाइन को जहां पर क्रॉस किया है वहां पर पॉइंट को ठीक करना है, क्लियर करना है, डार्क करना है। उसके बाद इस पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रख के इन दोनों पॉइंट के हाफ से थोड़ा ज़्यादा आप अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस कंपास में लिखकर राइट की तरफ एक आर्क बनाना है। उसी डिस्टेंस से सेकंड वाले पॉइंट से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं वहाँ पर पॉइंट लेना है और उस पॉइंट को और ए पॉइंट को जोड़ना है लाइन्स। इस प्रकार से हमने ए एंगल का बाइसेक्ट बनाया है, ए एंगल के इक्वल दो एंगल बनाए। उसके बाद यहाँ पर एक आर्क बनाना है। क्वेश्चन में दिए गए अनुसार उस आर्क बनाने के लिए उसका जो रेडियस है वो लेना है 5 सेंटीमीटर, कंपास में 5 सेंटीमीटर रेडियस लेके ए पॉइंट से यहाँ पर एक आर्क बनाना है। इस प्रकार से इस आर्क को यहाँ पर नाम देना है बी और यहाँ पर नाम देना है सी। इस आर्क ने इस बाइसेक्ट लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, यहाँ पर नाम देना है ई। उसके बाद इस ई पॉइंट से जाने वाला परपेंडिकुलर को हमें निकालना है। परपेंडिकुलर निकलने के बाद हमें यहाँ पर पॉइंट मिलने वाले हैं। इस ई पॉइंट से ये परपेंडिकुलर क्या होगा, पास होगा। यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर की
लाइन निकालना है। उसके लिए ई पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके एक लेफ्ट साइड को और एक राइट साइड को आर्क बनाना है। उसके बाद इस आर्क ने इस लाइन को यहाँ पर और यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट लेना है। पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली इसे थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस लेके ऊपर वाले हिस्से पर आर्क बनाया, एक नीचे वाले हिस्से पर आर्क बनाया और सेकंड वाले पॉइंट से उन्हीं आर्क पर दो आर्क बनाए। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस कर गए, वहाँ पर पॉइंट डार्क करना है और इस परपेंडिकुलर को लाइन से निकालना है इस प्रकार से। इस परपेंडिकुलर ने ई लाइन से पास किया है, उसके बाद इस परपेंडिकुलर ने ईपी लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है। यहाँ नाम देना है एफ और यहाँ पर नाम देना है क्योंकि एक्यू लाइन को इस परपेंडिकुलर ने इस पॉइंट पर क्रॉस किया है, यहाँ पर नाम देना है एच। उसके बाद हमें ए एफ ई इस एंगल को बायसेक करना है, यानी इसके दो इक्वल पार्ट बनाने हैं। उसके लिए एफ पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखना है और कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेके इस प्रकार से दो आर्क बनाने हैं। ये दो आर्क लाइन को यहाँ पर क्रॉस हुए, वहाँ पर पॉइंट लेना है। पहले वाले पॉइंट पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस लेकर एक आर्क बनाना है इस प्रकार से। दूसरे पॉइंट से उसी डिस्टेंस से उस आर्क पर दूसरा आर्क बनाना है। दोनों आर्क एक दूसरे को क्रॉस हुए हैं, वहाँ पर पॉइंट लेना है। उस पॉइंट को और एफ वाले पॉइंट को जोड़ना है। एफ से निकली हुई जो बाइसेक्ट की लाइन है उसने ए ई लाइन को यहाँ पर क्रॉस किया है, वहाँ पर पॉइंट मिला है, उसे नाम देना है जी। जी पर कंपास का स्टील वाला पॉइंट रखकर कंपास में ई इतना जी इतना डिस्टेंस लेके यहाँ पे एक सर्कल बनाना है इस प्रकार से। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। बच्चों जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ पर इस एंगल को चेंज करना है, 90 डिग्री से कम वाला एंगल यहाँ पर लेना है और ये जो आर्क बनाया था उसका भी डिस्टेंस चेंज करके इसे बार बार सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आज का ये एग्जाम्पल आपके समझ में आया हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। थैंक यू।